संयुक्त रूप से दी जाती है, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। साथ ही हमारे लिए ये भी गर्व का विषय है कि जमीन या मकान की रजिस्ट्री घर की महिला सदस्य के नाम पर कराने पर 3% से पंजीयन शुल्क घटाकर 1% करके महिलाओं की और इन बहनों की भागीदारी को आगे बढ़ाया गया है। किशोरी बालिकाओं के मानसिक, शारीरिक और कैरियर संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए उमंग हेल्पलाइन का सफलतापूर्वक संचालन मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है। एक रिस्क महिला और बच्चों के लिए संजीवनी योजना लगभग 35 लाख हितग्राहियों की सुरक्षा इससे के माध्यम से की जा रही है। इन सब योजनाओं के ऊपर आधारित हमारे इस विशाल सम्मेलन के मंच के दाई ओर प्रदर्शनियों के 12 स्टॉल लगे हुए हैं। इन 12 स्टॉलों के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों की, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो या फल वितरण योजना हो या उनको छात्रवृत्ति की योजना हो, स्कूटी देने की बात हो, तमाम योजनाओं की बारीकी से हर चीज़ को प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है। सभी बहनों का हम अभिनंदन, उनका वंदन करते हुए उनको प्रणाम करते हैं कि बहनों के इस महासम्मेलन में हम सब जो है मध्य प्रदेश में आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करते हैं और निवेदन है कि प्रदर्शनियों के माध्यम से कृपया योजनाओं की जानकारी लेंगे और योजनाओं की जानकारी लेकर अपने और अपने जिले का, अपने विधानसभा क्षेत्र का, प्रदेश ही नहीं देश का विकास करने की दिशा में आप सबका सहयोग मिलेगा। जैसा कि आपको विदित है कि हमने हर सेक्टर के अंदर माननीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में मध्य प्रदेश शासन और सामान्य जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में KYC के पंजीयन की व्यवस्था की गई है। हीमोग्लोबिन के टेस्ट की व्यवस्था हर सेक्टर में हमारे कर्मचारी बंधु लगे हैं, जहां हमारी सम्मानित बहनों के हीमोग्लोबिन टेस्ट की व्यवस्था भी की जा रही है। और आपको, आप सबके सहयोग से 1,06,000 से ज़्यादा लाडली बहनों का पंजीयन आज दिनांक तक आप सबके सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार की इस बहनों के प्रोत्साहन और उनके प्रति सम्मान भाव प्रकट करने वाली योजना का श्री गणेश 1,06,000 से अधिक महिलाओं का उसमें पंजीयन पोर्टल के माध्यम से हो चुका है और निरंतर जारी है। शाजापुर जिले के 800 से अधिक गांवों में, विभिन्न नगर निकायों के वार्डों में पंजीयन का कार्य भी द्रुत गति से जारी है। उससे संबंधित बहुत ही सरल है कि आपको अपना आधार कार्ड और अपनी समग्र ID के अलावा कुछ नहीं देना है। आप कृपया KYC के माध्यम से अपने खातों का अपडेशन कराएं। स्वास्थ्य विभाग के काउंटर पर प्रदर्शनी के वहाँ आपको पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। कृपया आप उन चीज़ों का भी लाभ लें और आगे बढ़ाएं। आप सबके सहयोग से जिस प्रकार से आपने शाजापुर को रक्तदान के क्षेत्र में, ग्रीनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के क्षेत्र में आपने गौरव स्थापित किया है, रक्तदान के क्षेत्र में किया है, ऊर्जा साक्षरता के क्षेत्र में किया है, आपने अपना समर्पण, अपना भाव विकास की नई परिभाषाओं को इंगित करने में शाजापुर जिले को प्रदेश ही नहीं देश में अग्रणी पंक्ति में आपने खड़ा किया है। पुनः आप सब को नमन करते हुए निवेदन है कि हम सब इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आगे बढ़ें और सभी बहनों को प्रणाम करते हुए निवेदन है कि कृपया अपने स्थान पर बैठें। शीघ्र ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच होंगे। पुनः इस दिव्य और भव्य अनुष्ठान में आप सबका सहृदय स्वागत करते हैं। मित्रों, दिन भर हम समस्याओं से लड़ते हैं और रात को ये सोचते सोचते सो जाते हैं कि सुबह कोई अच्छा सा सूर्योदय होगा, लेकिन सूर्योदय के साथ फिर हमारी समस्याएं प्रारंभ हो जाती है। लेकिन यदा कदा जीवन में ऐसे सूर्योदय होते हैं जो समस्याएं नहीं, समाधान लेकर आता है, और आज का सूर्य हमारे शाजापुर जिले के लिए वही समाधान का सूर्योदय है। जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारी अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम सबके बीच में उपस्थित हुए हैं, मैं मातृशक्तियों को बहुत श्रद्धा से प्रणाम करना चाहता हूँ। मित्रों, हमारी संस्कृति रही है कि द्रौपदी
साड़ी की एक चिंदी भगवान कृष्ण को बांध देती है तो कृष्ण उसके लिए अखत चीर बढ़ा देते हैं। हमारी संस्कृति रही है कि महाराज बलि को लक्ष्मी राखी बांध देती है तो महाराज बलि नारायण वापस कर देते हैं, और हमारी संस्कृति को इन बहनों ने आगे बढ़ाया है। इन्होंने भैया शिवराज जी के साथ खड़े होकर दिखाया है, तो शिवराज सिंह जी ने एक एक बहना के उत्कर्ष उत्थान स्वाभिमान की रक्षा के लिए विष्णु संकल्प ले लिया है। वही विष्णु संकल्प को पुनः हम सबके बीच में संकल्पित करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हम सबके बीच आ रहे हैं। आगरा एक निवेदन करना चाहता हूं, आप सब अनुग्रह करना चाहता हूं, आप सबकी अनुकंपा बने और यह दिव्य और भव्य अनुजन महाउत्सव के स्वरूप में परिवर्तित हो। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर हों हम इतने पूर्ण उत्साह के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें, ताकि उनको लगे कि जो जनकारी योजनाएं वो मातृशक्तियों का लेकर आए हैं, निसंदेह हम सबके लिए वो कल्याणकारी सिद्ध होगी। मन की शुद्धि से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता, मन की शुद्धि से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता, और आचरण से बढ़कर कोई रथ नहीं होता। दुनिया में जाने की जरूरत क्या है, दुनिया में जाने की जरूरत क्या है, माँ के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता। और इस महातीर्थ में माननीय मुख्यमंत्री आप सबको प्रणाम, श्रद्धा से प्रणाम करने के लिए, आप सबकी समस्या निवारण करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। आग्रह इतना भरे कि पूरे उत्साह के साथ इस उत्सव को महाउत्सव में परिवर्तित करें, इस कुंभ को महाकुंभ में परिवर्तित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगना चाहिए कि जो जो एक कदम उन्होंने मातृशक्तियों के हित में बढ़ाया है वो सब हम उसका स्वागत करते हैं, वो निरंतर जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम सबके बीच में ऐसे ही आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्साह के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। इतने से काम नहीं चलेगा, तैयार तरकस तीर कमान रखते हैं, तैयार तरकस तीर कमान रखते हैं, हर उड़ते पंछी का ध्यान रखते हैं, और ताली बजाकर इतना बता दो हम भी अपने दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका हृदय पुनः अभिनंदन करता हूं। हम सबके बीच में देश का चतुर्थ स्तंभ उपस्थित हैं, निसंदेह उनको प्रणाम करता हूं। ये लाखों की संख्या यहाँ उपस्थित हैं, और लाखों की संख्या का जो संदेश जाएगा वो देश की करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में जो हमारा देश का मीडिया सामर्थ्य है उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं, वो व्यवस्था में निरंतर हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पुनः आग्रह करता हूं आदरणीय मंचा से। हेलो, हमारे बीच में मंच पे विराजित हैं आदरणीय श्री माखन सिंह जी भाई साहब, और हमारे बीच है श्री हेमराज जी सिसोदिया जी, श्री अशोक जी नायक साहब, पंकज जी जोशी जी, श्री भट्ट जी, आलोक जी शर्मा जी, आदरणीय श्री विजय सिंह जी सिसोदिया साहब, जगदीश जी अग्रवाल साहब, और माननीय श्री जसवंत सिंह जी हाड़ा साहब पूर्व विधायक जी, श्री केदार सिंह जी मंडलोई साहब पूर्व विधायक जी, इंदर सिंह जी गोठी जी, श्री फूल सिंह जी मेवाड़ा साहब, बाबूलाल जी वर्मा साहब, माननीय जी गिरिराज जी मंडलोई साहब, श्री लक्ष्मण सिंह जी डोडिया साहब, श्री पुरुषोत्तम जी चंद्रवंशी जी, और श्री अरुण जी भीमावत, श्रीमती बबीता बैनी प्रसाद जी परमार अध्यक्ष नगरपालिका शुजालपुर प्रथम नागरिक, और प्रेम जी जैन अध्यक्ष नगरपालिका शाजापुर, श्रीमती रचना सचिन जी शर्मा, और हमारे बीच हैं श्रीमती लाड़कुवर कालू सिंह जी पटेल, जयप्रकाश जी अग्रवाल, सीताबाई जी रामचंद्र जी पाटोदिया, सम्मानीय अतिथि हमारे बीच हैं श्री सूरज जी आर्य जी, अमराम जी कराड़ा जी, विजय जी बैस जी, श्री दिनेश जी शर्मा जी जिला महामंत्रीगण, विजय जी बैस साहब, श्री दिनेश जी शर्मा जिला महामंत्री, श्री संतोष जी बराड़ा जी जिला महामंत्री जी, श्री प्रदीप जी चंद्रवंशी जी विधानसभा संयोजक, श्री अशोक जी कविश्वर विधानसभा संयोजक जी काला पीपल, श्रीमती केतल जी पटेल जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा शाजापुर, देवेंद्र जी तिवारी जी, श्री परशुराम जी धनगर साहब, श्री नरेंद्र जी यादव जी, श्री सूरज सिंह जी सिसोदिया जी, श्री विष्णु जी गुजर साहब, श्री सुरेश जी परमार साहब, भंवर सिंह जी परमार साहब, श्री कपाल जी मेवाड़ा जी, श्री जीवन जी आर्य और नवीन जी राठौर, श्री हरिओम जी गोठी, श्री गोपाल जी पटेल, राधेश्याम जी गुजर साहब, मोहन सिंह जी जादौन और जगदीश जी पाल साहब, सभी सम्मानीय अतिथियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, उनको उनका अभिनंदन करते हैं।
ये कलाकारों से आग्रह है, इस गीत के बाद कृपया स्थान खाली कर दें। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यक्रम स्थल पर पधार रहे हैं। एक अनूठी सौगात लाडली बहना महासम्मेलन तथा विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन आज होने जा रहा है शुजालपुर की इस पावन धरा पर, और मुख्य अतिथि का आगमन रोड शो के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे। अपनी लाडली बहनों से मुखातिब होने के लिए अनूठी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे। साथ ही साथ विभिन्न कार्य योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा, और बहनें उत्सुकता से इंतजार करती हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कि विभिन्न कार्यों से बहनों के विकास के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और हाल ही में उन्होंने 5 मार्च को लाडली बहना योजना का आगाज़ किया, जिसके अंतर्गत वे हर माह अपनी लाडली महिला को हर माह 1,000 रुपये का तोहफा स्वरूप देते हैं, जिससे महिलाएं सशक्त हों, क्योंकि महिला सशक्त होती है तो समाज सशक्त होता है, और समाज सशक्त होता है तो देश सशक्त होता है, और पूरे विश्व में देश उन्नत होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन कार्यक्रम स्थल में हो चुका है, हम सभी का इंतज़ार खत्म हो चुका है। हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे, और आज नारी के इस जागरण उत्सव को मनाने के लिए, नारी के सम्मान पर्व को उत्सुकता से बनाने के लिए, अपनी बहनों से रूबरू होने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर हमारे बीच होंगे। और बहना इंतज़ार करते हुए सबसे पहले कलश यात्रा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन कार्यक्रम स्थल पर होगा, और साथ ही में लाडली बहनों द्वारा पेंटिंग भी बनाई गई है, उसका अवलोकन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हमें ज्ञात है, लाडली लक्ष्मी योजना से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की बेटियों को पोषित करने के लिए, उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करने के लिए, शिक्षा के प्रति उनको जागरूक करने के लिए, और स्क्रीन के माध्यम से हम देख सकते हैं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का आगमन कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है, और कलश यात्रा के साथ शुजालपुर की बहनें इंतज़ार करती हुई। और जैसा कि हमें पता है कि हमारी परंपरा है, मालवा की खास तौर पर परंपरा है कि कलश यात्रा के साथ स्वागत बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि कलश में तीनों देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और साथ ही साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी वास होता है। तो आज के इस उत्सव का शुभारंभ होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम देख सकते हैं स्क्रीन के माध्यम से कि वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, और शुजालपुर की लाडली बहनें कलश यात्रा से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए आज के शुभ उत्सव को और पवित्र बनाने के लिए कलश यात्रा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम स्थल पर आगमन। कलश यात्रा जो कि बहुत शुभ मानी गई है, पवित्र मानी गई है,
और इसी पवित्रता के साथ आज लाडली बहना महासम्मेलन का शुभारंभ होते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यक्रम स्थल पर शुजालपुर की बहनों को उपहार स्वरूप कई सारी विकास योजनाएं भेंट देने माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन कार्यक्रम स्थल पर हो चुका है। साथ ही साथ विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और सबसे पहले लाडली बहना द्वारा हाथ से बनाई हुई पेंटिंग का अवलोकन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। बहनों ने बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई है जिसका अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और साथ ही साथ लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे विभिन्न कार्य योजनाओं का। हम स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन परिसर में हो चुका है और शुजालपुर की लाडली बहनों से रूबरू होने के लिए वे मंच पर कुछ ही क्षण में हमारे साथ होंगे। पूजन और लोकार्पण किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा और उसके पश्चात मंच पे हमारे बीच होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनों से रूबरू होने के लिए। जैसा कि हमें ज्ञात है, हमारी प्रदेश की महिलाओं को भेंट स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना प्रदान की है जिससे प्रदेश की महिला सशक्त हो सकें, प्रदेश की बहनें सारी सशक्त हो सकें और साथ ही साथ वे रोजगार उन्मुखी बने और उन्हें किसी पर निर्भर ना होना पड़े। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने के लिए, महिलाओं को और मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री जी की अनूठी पहल, ऐतिहासिक पहल है लाडली बहना योजना। और आज इसी सौगातों के साथ हमारे बीच होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ ही क्षण में वे हमारे बीच होंगे और लाडली बहना महासम्मेलन का आगाज होगा। साथ ही साथ विकास कार्यों का एवं लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है और परिवार शिक्षित होता है तो समाज शिक्षित होता है और जब शिक्षा का स्तर बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है तो स्वरोजगार भी बढ़ता है और साथ ही साथ एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसका अवलोकन कार्यक्रम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और हीमोग्लोबिन की टेस्टिंग भी की जा रही है। साथ ही साथ और कई योजनाओं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, क्योंकि महिलाओं की स्वास्थ्य बेहद महत्वपूर्ण है और अगर महिलाओं को सशक्त बनाना है तो सबसे पहले उनके स्वस्थ होने की कामना हमें करनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बहनों की आवश्यकताओं को हमेशा समझा, उनकी आकांक्षाओं को हमेशा जाना और उन्हें जानकर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना का आगाज किया अपनी बहनों को सशक्त करने के लिए। और इससे पूर्व भी बेटियों को सशक्त करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगाज किया है। बस कुछ ही पल में मंच पर हमारे साथ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पधारने ही वाले हैं और हम सभी का इंतजार समाप्त होने वाला है। पुनः यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मंच पर हमारे साथ विशेष अतिथिगणों का आगमन हो चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन भी हो चुका है और कार्यक्रम स्थल में सबसे पहले लोकार्पण और भूमि पूजन विभिन्न कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। पट्टिका का अनावरण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी।
माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले पट्टिका का अनावरण करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा महाराणा प्रताप सीएम राय स्कूल अकोदिया, जिसकी लागत राशि 43.15 करोड़ है, साथ ही मिहिर बोझ सीएम राय स्कूल सुंदरसी, जिसकी लागत राशि 40.1 है, लोक निर्माण विभाग हरलाय से बोलदा मार्ग 3.85 किलोमीटर, साथ ही साथ पगरावड़ से पिपल रावा जोड़ मार्ग 55 किलोमीटर, अरनिया खुर्द से बिशनखेड़ी मार्ग 2.5 किलोमीटर, शुजालपुर से खेड़ापति हनुमान मंदिर मंडी से नाना खेड़ा मार्ग के जगधर नदी पर जलमग्न पुल का निर्माण, अरनिया खुर्द से बिशनखेड़ी मार्ग के बलाई नाले पर जलमग्न पुल का निर्माण कार्य, साथ ही PIU उप तहसील टप्पा कार्यालय भवन मक्सी का लोकार्पण करते हुए कौशल विकास विभाग 6 ट्रेड का भवन, 60 सीटर बालक छात्रावास 1F, 2H एवं 4I टाइप आवास गृह निर्माण कार्य का काला पीपल, RIC गौशाला लोकार्पण बहरावल, जिसकी लागत राशि है 1.5 करोड़ रुपए, शुजालपुर नगर पालिका कलेक्टर योजना के अंतर्गत CC रोड के निर्माण के लिए 3.14 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न कार्य योजनाओं का लोकार्पण किया और कुल 116.68 करोड़ की राशियों का लोकार्पण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो चुका है, ये जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और जैसा कि हमें ज्ञात है, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो सबसे पहले कार्यक्रम में कन्या पूजन। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। सरस्वती दुर्गा काली की स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा कन्याओं का पूजन अर्चन और दीप प्रज्वलित कार्यक्रम हो रहा है। निसंदेह वेदों दीप जो हमारे आदरणीय सभी अतिथियों की गरिमा में उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का मंगलमय श्री गणेश हो रहा है। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, मन से मन की जो जले दूर सब अंधकार हो, इस पुनित भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगण की गरिमामय उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर आज के इस मंगलमय अनुष्ठान का मंगलमय श्री गणेश किया जा रहा है। हम सब जोरदार तालियों के साथ इस मंगलमय अनुष्ठान में शामिल हों। वेदों की ऋचा कन्या पूजन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। वेदों की ऋचा है बेटियां, वेदों की ऋचा है बेटियां, घर परिवार की ऊर्जा है बेटियां। और नमन करते हैं दुनिया की हर बेटी को, नमन करते हैं दुनिया की हर बेटी को, क्योंकि धरती पर धर्म की ध्वजा है बेटियां, धरती पर धर्म की ध्वजा है बेटियां। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी कन्याओं के यशस्वी ललाट पर कुमकुम तिलक लगाकर उनका पूजन अर्चन कर रहे हैं। हमारी सत्य सनातन संस्कृति साथ में माननीय हमारे मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी और सभी वरिष्ठ लोग कन्याओं को पूजन अर्चन कर उन्हें भेंट कर इस कार्यक्रम को और अलंकृत कर रहे हैं। निसंदेह कन्या हमारी संस्कृति में प्रथम पूज्य रही है, दुर्गा स्वरूपा रही है, लक्ष्मी स्वरूपा रही है, सरस्वती स्वरूपा रही है और निसंदेह इनके मंगलाशीष से ही हमारी भारतीय संस्कृति सर्वोपर रही है, विश्व वंदनीय संस्कृति रही है। और इन्हीं के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री जी उन कन्याओं का पूजन अर्चन और चरण पखालन कर हमारी संस्कृति का निर्वहन कर रहे हैं, उन्हें पूजन सामग्री भेंट की जा रही है। निसंदेह हम सब भी बोले भारत माता की, ये देश मातृसत्ता प्रधान देश रहा है, हमने इस भूमि को भी माँ स्वरूप माना है और इसीलिए हमने इसे भारत माता कहा है। और लाडली बहना महासम्मेलन का आगाज हमारे यशस्वी प्रिय लाडले भैया, प्रिय मुख्यमंत्री जी हमने हमारे बीच और अपनी बहनों का पुष्प
पुष्पों की वर्षा के साथ स्वागत करते हुए और लाडली बहनाएं तख्तियां बनाकर लाई हैं जो कि मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत कर रही हैं और अपना धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं। एक उत्सव का दिन है आज सुजालपुर में।